सो so, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो गूगल जैसी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हो विद स्टाइपेंड ऑफ 1.5 लाख रुपीस, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए क्योंकि भैया गूगल की तरफ से स्टेप इंटर्नशिप लाइव हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना सब कुछ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो so, क्या हाल है दोस्तों वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस मेरा नाम सुमर सिंह राजप्रीत है और आज की वीडियो में मैं आपको गूगल स्टेप इंटर्नशिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता तो देखो गूगल स्ट्री इंटर्नशिप क्या क्या होती है गूगल हर साल ना स्टेप इंटर्नशिप करके एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है जो वो रिलीज करता है अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सारे बच्चों के लिए ये किन के लिए होती है एलिजिबल कौन होता है सेकेंड ईयर के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी करंटली सेकेंड ईयर है दो में पास आउट होने वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं और बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसका प्रोसेस क्या है इसमें सिलेक्शन कैसे होता है इसके लिए तैयारी कैसे करनी है तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला वालों पहले पार्ट में रिज्यूमे से लेकर इंटरव्यू राउंड के लेकर सब कुछ क्या पूछते हैं क्या होता है और सेकंड मैं आपको प्रिपेरेशन बताऊँगा कि इसके लिए तैयारी कहां से करनी है इसके लिए क्या क्या फ्री रिसोर्सेज है जहां से मैं इसको पढ़ सकता हूं क्लियर है आप चैनल पे नए हो खुद के प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहते हो एज ए स्टूडेंट ग्रो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि मैं आप प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वीडियो बताता हूं इंटर्नशिप के बारे में वीडियो बनाता हूँ और बहुत सारी कॉलेज लाइफ के बारे में वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो वहाँ पर डेली जॉब अपडेट आती है ये वीडियो की लाइक टारगेट रखी है मैंने वो है टू लाइक फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू कर तो ये आ जाते हैं स्टेप इंटर्नशिप पे गूगल स्टेप इंटर्नशिप की कंप्लीट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले पार्ट पे आते हैं जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेकंड मैं आपको हाउ टू प्रिपेयर की भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा तो पहले आ जाते हैं प्रोसेस कि सुमेर भाई इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन लिंक पर अप्लाई करके पहले आपका रेज्यू सबमिट करना है क्लियर है सबसे पहला जो राउंड होता है वो क्या होता है अपना रेज्यू राउंड होता है ओके okay. उसके बाद अगर आप नॉर्मल गूगल या फिर कोई भी इंटर्नशिप में अप्लाई करते थे तो लोग ऑनलाइन टेस्ट लेते थे पर स्टेप इंटर्नशिप में ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता अगर कभी ऑनलाइन टेस्ट होते थे तो डी के क्वेश्चन पूछते थे लेकिन यहाँ पे स्टेप इंटर्नशिप में मोस्टली ऑनलाइन टेस्ट नहीं पूछते तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रेज्यूम सिलेक्शन होने वाला है उसके बाद सेकेंड जो चीज़ होती है अगर बहुत सारा ज्यादा बच्चे वैसे भी अप्लाई करते हैं तो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड होता है जो दस से पंद्रह मिनट का होता है उसके बाद जो चीज़ होती है वो है टू इंटरव्यू राउंड्स होते हैं जिसमें डी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाती है ये मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया अब मैं आपको एक एक चीज़ की डिटेल में जाता हूँ क्या रेज्यूमे सेलेक्ट होता है तो ऐसे क्या होना चाहिए मेरे रेज्यूमे में जिससे मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊँ तो सबसे पहली चीज़ तो आपका डी ए से बहुत तगड़ा होना चाहिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे गूगल हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया इनमें सेलेक्ट होना चाहते हो तो ये आपसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक्सपेक्ट करते हैं आप बोलोगे सेकंड ईयर बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं भैया सेकंड ईयर बच्चा भी तो गूगल में डेढ़ लाख का इंटर्नशिप के लिए स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर रहा है ना तो वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अच्छे खासा थोड़ा अच्छा आना चाहिए क्लियर है तो आपकी डी प्रोफाइल देखते हैं कि आपकी रैंक क्या है आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व की है वो आपको अपने रेज्यूम में पुट आउट करनी चाहिए सेकेंड चीज़ जो दिखती है वो आपका प्रोजेक्ट है समझो आप अभी करंटली देखो ज़्यादा तो सेकेंड ईयर के बच्चे के प्रोजेक्ट नहीं होते पर अगर आप समझो अभी जावा सीख रहे हो आपने कोई शुरू को गेम बना दिया फिर कुछ बना दिया कुछ मिनी प्रोजेक्ट बना दिया तो वो भी आप पुट आउट कर सकते हो या फिर आप फुल फुल फ्लैज बंदे हो फर्स्ट ईयर से कोडिंग कर रहे हो अभी आपने वेब डेवलपमेंट में भाई अच्छा खासा पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है तोड़ फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो वैस अगर आपके रेज्यूम में तो आपको स्टैंड आउट करने में मदद करता है उसके बाद अगर आप अपनी अचीवमेंट पुट आउट कर सकते हो जैसे आपने स्कूल में या कॉलेज में कुछ फोड़ा हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है कहीं डिबेट में जीते हो कहीं और कॉम्पिटन में जीते हो कोई स्कॉलरशिप मिली है तो वो सब पुट आउट करो तो वो बहुत काम आता है अगर आपका सी जी बी अच्छा है एट या नाइन सी जी बी है तो वो पुट आउट करो देख साढ़े छः सी जी बी है तो मत पुट आउट करना मतलब नहीं है भाई नेगेटिव मच चले जाएंगे ओके उसके बाद कहीं में पार्टिसिपेट किया है कहीं कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है कहीं मचाया है तो वो सारी चीज़ें अगर आप अपने रेज्यूमे में पुट आउट करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसके साथ और अगर इसको सोने पे सुहागा करना चाहते हो तो गूगल में करेंटली कोई काम कर रहा है उसका आपको रिकमेंडेशन मिल जाए कि भैया वो आपको रेकमेंड करें रेफरल जिसको कहते हैं कि गूगल में काम करने वाला आपको रेफर करता है कि ये बंदा तोड़ है मैं जानता हूँ तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं पर बिना इसके भी अगर आपका रेज्यू में तोड़ है तो भी सिलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं फिर आ जाते हैं सेकंड राउंड जिसको कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड देखो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ रेज्यू में बनाते कैसे सब कुछ सारी चीज़ों की फ्री रिसोर्सेज में देने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना फिर आ जाते हैं टेलीफोनिक राउंड टेलीफोनिक राउंड ऑप्शनल होता है सबको नहीं पूछते बहुत ज़्यादा ही अगर क्राउड आ रहा है तो टेलीफोनिक राउंड होता है वरना नहीं होता ये 10 से 15 मिनट का राउंड होता है इसमें भी आपको बेसिकली डी के प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत पूछेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखेंगे साथ में आपका रेज्यूमे में जो जो चीज़ें आपने डाली है वो चेक करते हैं कि भैया आता भी है कि नहीं लेकिन तो लोग तो बहुत कुछ लिखते हैं उनको दस दस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है पर एक्चुअल देखने जाओ तो कुछ नहीं आता तो वो चेकआउट करते हैं फिर आपका सी फंडामेंटल पूछते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क्स ये सारे सी एस फंडामेंटल्स है जो आपको पूछते हैं तो आपको उतना आना चाहिए ये दस से पंद्रह मिनट का ही होता है उसके बाद आ जाता है जो मेन राउंड जिसको कहते हैं दो इंटरव्यू राउंड होते हैं ये दो इंटरव्यू राउंड कंप्लीटली फोकस होते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बेसिकली जिसका मतलब है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जैसे अपना स्टैक हो गया अरे हो गया लिस्ट हो गया क्यू हो गया ट्रीज हो गया ये सारी चीज़ों का आपको एटलीस्ट ईजी टू मीडियम तो आना चाहिए ये आपसे हार्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको डेढ़ लाख रुपए की इंटर्नशिप की स्टाइमेंट दे रहे हैं तो आपसे अच्छा कहाँ आप सा काम या फिर अच्छा खासा सा डी एक्सपेक्ट करते हैं तो ईजी से मीडियम तो अपने को आना चाहिए इतना क्लियर है राउंड आपको समझ गया ओके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं फिर से बता देता हूँ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स से जिसमें एलिजिबल है दो में पास आउट होने वाले इसमें भी कहते हैं कि देखो सिक्सटी से सेवेंटी फीमेल को प्रायोरिटी दी जाती है पर ज़्यादा करके मेल मतलब पहले फीमेल ही ज़्यादा सिलेक्ट होती है लेकिन कुछ मेल्स के भी चांसेस होते हैं ऐसे लोग हैं जिनको मतलब एज अ बॉय या फिर एज अ मेल को भी अपॉर्चुनिटी मिली है तो अगर आप तोड़ हो तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैप कर सकते हो इतना क्लियर है ओके okay. अब सवाल आता है सुमेर भाई इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है क्योंकि वो भी तो बहुत जरूरी है ओके okay? ऐसे ना मैं वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशन टिप्स अपने लिंकिन पर भी पुट आउट करता हूँ अगर आपके अब तक तो लिडडन प्रोफाइल नहीं है तो वो बना लो आपके बहुत काम आने वाली है क्लियर है तो आप मुझे वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें अपने बिहाइंड द सीन और चीज़ें शेयर कर सकता हो जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है अब वापस आ जाते हैं भाई वो सब ठीक है प्रिपेयर कैसे करना है तो पहली चीज़ तो आपको क्या लगेगी रिज्यूमे लगेगा अगर कोई ऐसा इंसान जिन्होंने एक्चुअली अपने रेज्यूमे से गूगल माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया है वो बताए कि कैसे बनाना रिज्यूमे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वरना लोग तो आपको बतेरे टैंपलेट दे, दे देंगे कि रेज्यूम कैसे बनाते हैं पर एक सही गूगल माइक्रोसॉफ्ट के लिए रेज्यूमे कैसे बनाते हैं इसके लिए एक वीडियो है आशीष प्रताप सिंह भाई ने बनाया है बहुत अच्छा बनाते हैं वीडियोस आप उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसने बताया भी है कि कैसे बनाते हैं और खुद की टेम्पलेट शेयर कर दी है तो आप उसमें एडिट करके खुद का वापस बना सकते हो तो ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना सेकेंड आ जाता है देखो अगर आपको गूगल माइक्रोसॉफ़्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करनी है तो ये मेन फंडा होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम तगड़ा है तो आप आराम से इनको क्रैक कर सकोगे लेकिन अगर वही ढीला है तो भाई नहीं लेते वो लोग आप समझ रहे हो अच्छा खासा पैसा देते तो वो लोग आपसे डेटा सीचना लगोर तो एकदम एक्सपेक्ट करते हैं तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है डी एस डी एस ए के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो टेक यू फॉरवर्ड करके एक यूट्यूब चैनल है स्ट्राइवर करके बंदा है बहुत अच्छा पढ़ा था उनकी वेबसाइट में भी आपको डी एस शीट मिल जाएगी स्ट्राइवर की शीट ये आप फॉलो कर सकते हो इससे भी आप अच्छी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो इसके बाद मैं अर्श कोयल करके मेरा दोस्त है उसकी डी शीट है उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दो सौ अच्छी क्वेश्चन दो सौ अस्सी क्वेश्चन हैं वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो कुछ मतलब फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक प्रोग्रामिंग है और अलग अलग चीज़ है ना तो उसके लिए एक और यूट्यूब चैनल है डेटा स्ट्रक्चर के लिए ही आदित्य वर्मा करके उनकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो भाई बहुत अच्छा बताते हैं वो लोग भी तो ये तीन कुछ अगर आप रिसोर्सेज फॉलो करो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा साथ में गीक फॉगीक्स वेबसाइट है कोडिंग इंडिया ऐसी हर वेबसाइट पे आपको डी की प्रॉब्लम्स मिल जाएगी क्लियर है ओके अब आए थे एक और चीज़ आपको ज़्यादा करके कभी कभी इंटरव्यू जैसे मैंने बोला था टेलीफोनिक राउंड में पूछते सी एस फंडामेंटल्स पूछते क्या होते हैं तो ज़्यादा करके ऊपस हो गया डी बी एम एस हो गया सी एन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ये चार चीज़ें होती है जो ज़्यादा करके पूछते हैं इंटरव्यू बिट करके एक वेबसाइट है दोस्त वहाँ पे आप सी एस फंडामेंटल्स के देखोगे तो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है उतने करके चले जाओ तो हो जाता है ओके okay? फिर आ जाते हैं प्रोजेक्ट तो देखो प्रोजेक्ट ना तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है कोई डेटा एनालिटिक्स है कोई डेटा साइंस में है को कोई वेब टेक्नोलॉजी में कोई ब्लॉक चेन में कोई क्लाउड में तो ना मेरा जो बेसिकली आइडिया है प्रोजेक्ट के लिए कि यहाँ पे कोई प्रॉपर फ्री रिसोर्सेज में एक चीज़ की क्या है दो दस चीज़ की थोड़ी दे पाऊँगा पर मैं आपको बता देता हूँ तो देखो आप एक टेक्नोलॉजी चूज़ करो समझो आपने वेब डेवलपमेंट चूज़ किया अब अभी आप अपने रिज्यूमर लिख रहे हो मेरे को जॉब स्क्रिप्ट आती है मेरे को फ्रंट एंड आता है मुझे बैक एंड आता है वो मतलब नहीं है मतलब क्या है कि ठीक है आपको जो भी आता है आप अपना प्रोजेक्ट बताओ और प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिस जिसपे क्लिक करूँ ना तो वो दिखे मेरे को समझ रहे हो आपके लोकल होस्ट में वो नहीं होना चाहिए वो ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए तो क्या है चूज एनी टेक्नोलॉजी वॉट यू वॉन्ट टू डू सेकेंड बिल्ड प्रोजेक्ट ऑन दैट मिनी प्रोजेक्ट बनाओ फिर थोड़ा अच्छा फुल स्ट्रक प्रोजेक्ट बनाओ प्रोजेक्ट बनाओ भाई काम दिखाओ अपना एंड थर्ड है उसको होस्ट करो लाइव क्या इंसान आपके रेज्यूमेम में या फिर आपके लिंग प्रोफाइल पे उस प्रोजेक्ट पे क्लिक करे ना तो वो जाके देखे कि क्या दिख रहा है सबको दिखना चाहिए बहुत सारी वेबसाइट है नेटलीफाई डॉट कॉम है आप अपने गीटअप पर भी उसको होस्ट कर सकते हो उसी के साथ साथ फ्यूलो डॉट आई करके एक वेबसाइट है पोर्टफोलियो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप अपनी चीज़ें होस्ट कर सकते हो दिखा सकते हो प्रॉपरली पोर्टफोलियो बना सकते हो तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी स्टेप इंटर्नशिप के लिए नहीं सब जगह के लिए प्रिपेयर कर सकते हो इतना समझा आप बोलोगे यार सुमेर भाई एक सेकेंड ईयर से बच्चे से इतना सारा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई यार अगर आप बड़ी कंपनी के लिए क्रैक करना चाहते हो अगर आपके सपने बढ़े तो मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी दोस्त और ये चीज़ें ही आपको जॉब दिलाएगी अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट कोई भी इस चीज़ को देख रहा है तो इन चीज़ों की तैयारी करने लग जाओ ये चीज़ें आपको जॉब दिलाएगी आपके कॉलेज की डिग्री सिर्फ आपको जॉब नहीं दिलाएगी काम आना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करो ये वीडियो की लाइक टारगेट मैंने टू रखी थी उसे रख लो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा क्लियर है अभी आपको ना मैं एक पी बनाऊंगा इसका प्रॉपर फ्री रिसोर्सेज का और हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पुट आउट करेंगे तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फटफट ज्वाइन कर लो मुझे भी लिंक इन फॉलो कर लो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए मिलते अगले वीडियो में तब तक तो ख्याल रखो एंड अ नाइस डे